नमस्कार दोस्तों, पिपला ईएम के आज पिपला प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हम लोग उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको भी एक्सपोर्ट रिपोर्ट को लेकर मन में कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट है। तो अगर आपके भी मन में कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट है तो मेरी गुजारिश है, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, एक बार डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए बेसिकली। और उसके बाद भी आपको मन में कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो #AskPipLab लिख के आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट विल बी मच ऑफ आवर प्लेजर टू गिव यू द आंसर। अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं तो बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिस्टर अनिल जैन करके है, उन्होंने पूछा है कि आई डेस्परेटली विश टू स्टार्ट एक्सपोर्ट, इवन अटेंडेड योर ट्रेनिंग प्रोग्राम बट स्टिल अनेबल टू ओवरकम द फियर ऑफ स्टार्टिंग, राइट? आई विश टू स्टार्ट एन ऑफिस इन फॉरेन कंट्रीज, सो कुड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड कुड सेल देयर रादर देन रिलाइंग ऑन द थर्ड पार्टी in terms of payments, market and risk. Can you guide me on this idea of setting an office in other countries? Very good question, Anil ji. ये fear of failure जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, मैं मानता हूँ basically कि training program कर किया है आपने, सब कुछ सीखा है, लेकिन मन का जो डर है जो अभी भी दूर नहीं, क्योंकि हमें कुछ लगता है कि शायद मैं कुछ हो गया तो, शायद मैं फेल हो गया तो। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ इसीलिए हमेशा कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो दो चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, एक श्रद्धा और सबूरी। जो शिर्डी के साई बाबा कहते गए थे ना, श्रद्धा किस चीज के ऊपर, कि किसी का होता है ना तो मेरा भी हो ही सकता है, वही श्रद्धा है। और सबूरी, किस चीज की सबूरी, ये इट इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम टू गेट मैच्योर। आपने सारा नॉलेज ले लिया, सब कुछ एक्टिविटी कर ली, तो उसके ऊपर भी स्टेप लेने के लिए उसको टाइम लगता है और उसको मैच्योरिटी का रिजल्ट आने में इट टेक्स टाइम टू टेक। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि मैं क्या फॉरेन कंट्री में ऑफिस खोल के डायरेक्टली काम करूं, तो दोस्तों फॉरेन कंट्री में आप ऑफिस खोलोगे नो प्रॉब्लम इन दैट, आप खुद ही वहां पे इंपोर्ट करोगे, वो भी मान लिया मैंने, तो वहां पे भी आपको सेल तो करना ही है ना, राइट? सो मेरी गुजारिश अनिल जी, पहले सीधा उस कंट्री में ऑफिस खोलने का खर्चा ये सब करने की बजाय पहले सारी कंट्री को विजिट कर लीजिए, राइट? उतने ही खर्चे में मेरे हिसाब से आप बहुत सारी कंट्री घूम के आ सकते हैं। एक कंट्री खोलने का वहां के जाने के बाद का रिस्क, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद तो आपको ECC की पॉलिसी मिलती है, सबको मिलता है। से फॉर एग्जाम्पल, आपने दुबई में कंपनी खोली, अब दुबई जाके मटेरियल मंगवा लिया तो वहां पर वो कंपल्सरी उधारी देनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा कि अगर दुबई के पार्टी ने पेमेंट नहीं किया, क्योंकि आप तो दुबई के अंदर बैठे हो, यानी वहां के लोकल हो गए, राइट? तो मेरी एज अ न्यू एक्सपोर्टर, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट टू ओपन द कंपनीज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज ऑलवेज गुड टू बी यूजफुल, बट मेरे हिसाब से उससे अच्छा ऑफिस खोलने की बजाय एक इजी काम कर सकते हैं, वहां पे आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लीजिए। आप बोलोगे कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, पहले के जमाने भी ऐसे ही काम होता था। आप बेसिकली ऑफिस खोलने की बजाय वहां पे कोई बंदा हायर कर लीजिए जो आपके भी आप पे वहां पे मार्केटिंग करता हो और आपके लिए ऑर्डर लेके आता हो। दोस्तों, अभी भी इंडिया के अंदर ये सारी चीजें होती है, अक्रॉस द वर्ल्ड होता है। हमने देखा होगा बहुत सारे जर्मन कंपनियों के यहाँ पे बेसिकली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सेल्स इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके लिए मार्केटिंग करते, ऑर्डर लेके आते। ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है यूरोपियंस नहीं बढ़ाना चाहते कि ऑफिस खोले, सब खर्चा करके वर्क घर से ही काम करो, अब मार्केट में घूमो, हमारे लिए ऑर्डर लेके आओ, मीटिंग करते रहो, राइट? और बेसिकली हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सपोर्ट दो। उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ, इस कंट्री में मुझे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, इस कंट्री में पूरा प्रॉपर सेटअप हो गया है, तो उसके बाद आप बेसिकली वहां पे ऑफिस खोलने का प्लान कर सकते हैं। बाकी एज अ स्टार्टअप आई पर्सनली रिकमेंड, क्योंकि इंडिया के बाहर कंपनियां खोलने का खर्चा, वहां पे ट्रैवल करने का खर्चा, वहां पे जाके बिजनेस करने का खर्चा भी बहुत सा उठा है दोस्तों, तो मैं प्रीफर नहीं करूंगा इनिशियली आप ये सारा रिस्क लो। यानी उससे अच्छा है बेसिकली कि पहले आप वहां पे सेल्स चालू करो, आप जाके विजिट करके आओ, मीटिंग करके आओ, चाहिए तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वहां पे अपॉइंट कर लो जो आपके बिहाफ पे जाके मार्केटिंग करके ऑर्डर्स लेके आए। आई एम श्योर अनिल जी, आपको ये मेरा आंसर अच्छा लगा होगा। अगर आंसर अच्छा लगा है तो मेरी गुजारिश है कि आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतना ही ज्यादा भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और मोदी जी ने जो सपना देखा है $400 बिलियन का 2022 तक का, वो पूरा हो पाएगा, राइट? सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए व्यूअर्स हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको भी रेगुलर बेस पे सारी अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे डेटाबेसेस, बहुत सारी चीजें हमारी ऐप के ऊपर रखी हुई है, तो प्ले स्टोर में जाके या ऐप स्टोर में जाके पिपला ईएम सर्च करके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगी एक्सपोर्ट रिपोर्ट को लेकर। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे
भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।